उत्तराखंड की संस्कृति जैसे लुप्त होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब युवा उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने के लिए लगातार आगे आ रहे हैं। अब युवा पहाड़ी गानों के माध्यम से उत्तराखंड की संस्कृति को बिखेरते हुए नजर आ रहे हैं। आज एक निजी होटल में मनीष बलूनी द्वारा लिखा गया बांध रजूला गीत को लॉन्च किया गया है। इस गाने को रोहित चौहान ने गाया है। इसके साथ ही मनीष बलूनी ने बताया कि इस गाने को बनाने के पीछे हमारा उद्देश्य है कि उत्तराखंड की संस्कृति को देश विदेश में पहचान मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस गाने में खासकर हमने उत्तराखंड के पानी का जिक्र किया है, पानी को अपने शब्दों में पिरोया गया है। रोहित चौहान के निर्देशक मनीष बलूनी, एक्शन लिरिक्स अमन उनियाल, कंपोजर सौरभ मेठाड़ी, अमन उनियाल संग मनीष बलूनी और नेहा डंडरियाल सह सर्वेश चौधरी, कलाकार सुषमा नेगी और आभा नेगी का समर्थन करते हुए अभिषेक अनुज रावत हम बांध रजूला की म्यूजिक वीडियो लॉन्च में नजर आए। इसके साथ ही रोहित चौहान ने सभी से इस गाने को बढ़ चढ़कर देखने के लिए भी अपील की और गाने के लॉन्च में ललित जोशी, CIMSR चेयरमैन सौरभ मेथानी, रोहित चौहान सिंगर, कविलाश नेगी सिंगर, डायरेक्टर MS बलूनी कार्गो मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, राकेश जोशी, राकेश शर्मा, राहुल देवधंड, आरती गौर, सोहन चौहान, गोविंद नेगी, शैलेंद्र पटवाल, गौरव लेखवार के साथ मनीष बलूनी जी की माता प्रमिला बलूनी और पिता मधुसूदन बलूनी भी शामिल हुए। इस म्यूजिक के उसमें और डांस के उसमें काफ़ी पहले से ही रुचि थी और मुझे घर से काफ़ी सपोर्ट रहता था इस चीज़ के बारे में और मैंने काफ़ी मतलब गाने सुनने का भी बहुत शौक रहा है, तो धीरे धीरे उसी को सुनते सुनते मैंने लिखना भी शुरू करा था। तो लिखता तो मैं थोड़ा बहुत ही वैसे था और इस लिखने के उसमें मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है सौरभ मेथानी सर ने, आपने उनके गाने सुने होंगे, वकील मेरे गए मैं बाहर के रहता से, तो उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है लिखने में उसमें और बस इसी दौरान गाने सुनते सुनते ही लिखना मैंने शुरू। सबसे पहले तो आप सभी मीडिया और जो मेरे यहाँ पे मित्र आए हुए हैं मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और ये इसका बचपन से इस लोक संस्कृति के प्रति शौक, मतलब बड़ा शौक था, उस शौक को देखते हुए मैंने इसको सपोर्ट किया उसमें और उसमें साथ में मेरी अर्धांगिनी, उन्होंने भी मतलब बड़ा अच्छा, और लड़की है वो भी, वो हमसे भी ज़्यादा सपोर्ट करती है। मेरा असल में करीबन महीने में मेरे दो चक्कर पहाड़ के लगते हैं और चाहे मैं चंडीगढ़ भी था तो उसके बावजूद भी मेरा अपने पहाड़ से लगाव है, तो इसके उसमें मैंने उसको पूरा सपोर्ट किया कि इस उसमें आपको आगे आना चाहिए और हमारे मतलब उसमें होनी भी चाहिए, हर किसी की रुचि होनी चाहिए। और अपने बच्चों को मैंने मेरे बच्चे चंडीगढ़ में आदि शिक्षा चंडीगढ़ में की, लेकिन मेरे बच्चों को मतलब गढ़वाली मैंने पूरी मतलब गढ़वाली में पूरा सिखाया। इस चीज़ को में एक वो इन्होंने एक छोटा सा मतलब छोटी पिक्चर बनाई थी, उसमें भी हमने काफ़ी लोगों को, मैं साथ में भी गई थी, तो बच्चों ने काफ़ी अच्छा वो करा। अब मैं तो चाहती हूँ कि बच्चे अपनी गढ़वाली भाषा को अपनाएं, उसमें जाएं। मेरे बेटे ने तो बचपन से ही मतलब डांस का बड़ा शौक था, इसको अपने पार्टनर को लेके भी बड़ा वो रहता है कि मेरा पार्टनर अच्छा हो और अच्छा ही वो करे, अभिनय करे, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। गाड़ी में कहीं भी जाओ तो मेरा बेटा 24 घंटा गढ़वाली गाना, गढ़वाली गाने के अलावा ये ना कोई हिंदी गाना ना कुछ भी नहीं सुनता, बस सिर्फ गढ़वाली गाना इसका फोकस ही। आपने बड़ा अच्छा सवाल कहा कि लुप्त हो रही है, पर उस तरह आप इस वीडियो को जब देखेंगे तो आपको ये ज़रूर लगेगा कि अच्छे जो बच्चे पढ़े लिखे हैं वो भी इस संस्कृति वाले जगत को, साहित्य वाले जगत को, संगीत जगत को इंटरेस्ट ले रहे हैं। क्योंकि मैं मनीष भाई से जिन्होंने ये इसमें एक्टिंग करी है, जिन्होंने लिरिस्ट बनाया है, जिनके चैनल पे है, वो बहुत वेल डेवलप्ड फैमिली से हैं और वेल एजुकेटेड हैं और अपने पॉकेट मनी से जो उनका अपने व्यवसाय से जो पैसा बचता है उसको लगा के अपनी संस्कृति के प्रति समर्पित हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, प्रशंसनीय बात है। और रोहित चौहान जी ने इस गीत को गाया है, वो रावत जी ने इसे डायरेक्शन किया है, अमन उनियाल ने इसको संगीत दिया है, ये एक अद्भुत कार्य है, बहुत अच्छा गीत है। मैं
प्रशंसा करता हूँ गीत की, और आने वाले टाइम में उनके चैनल से और अच्छे अच्छे गीत भी आएंगे, इसकी भी मैं आप सभी को प्रमाणित करता हूँ इस बात को। तो बहुत बधाई है पूरी टीम को, और हमारा युवा अगर आप विगत 5 वर्षों में देखेंगे तो बहुत अच्छा जो टीनेजर है 18 ईयर से लेकर 30 ईयर तक के जो युवा हैं उसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है गीत संगीत के प्रति। इसका प्रमाण YouTube के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, और जिस प्रकार से व्यूज़ हमारे गीतों पे आते हैं उसमें कहीं ना कहीं युवाओं का इस बहुत गति से इस और संस्कृति और बढ़ना, ये उसका प्रमाण। गाना जो हुआ है आज बादशाह का, सभी लोग पसंद आएगा, और इसको लिखा है मनीष ने और हमारे सौरभ मटानी ने कंपोज किया और मैंने गाया, तो उम्मीद करते हैं लोगों को ये हमारी सबकी जोड़ी अच्छी लगेगी। पूरी टीम ने बड़ी मेहनत से हर चीज़ में हर फील्ड में काम किया है, तो आप सभी लोग अपना प्यार दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अपील यही है हर गाने के आगे की अपील यही होती है कि आप जो भी गाना बनाते हैं मेहनत से बनाते हैं, और उम्मीद रखते हैं कि सभी लोगों को पसंद आए, ताकि हम भी और आगे अप्रिशिएट अगर करेंगे किसी गाने को तो हम भी और जोश से और उम्मीदों से आगे गाने। सबसे पहले तो उम्मीद सर और उनके साथ काम करना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था मेरी लाइफ में, मेरा दूसरा गाना है, और उनके साथ काम करके सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा। ये गाना बहुत अमेजिंग है, आप सब सुनिएगा। और मनीष गुलमी जी ने मुझे मौका दिया इसमें एक्ट करने का, मेरी रील्स के थ्रू उन्होंने मुझे देखा और अब्बू सर ने मुझे डायरेक्ट किया, तो मेजरली मेरा पोर्शन रील्स ही था, मैं रील्स बनाती थी, रोहित सर के गाने में सबके गानों में ही बनाती हूँ बाकी, तो वहीं से मैं आगे बढ़ी हूँ। और ये मेरा दूसरा गाना है, बट रोहित सर के साथ मेरा पहला गाना है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और प्राउड भी हूँ। अपील की रील्स बनाना और वायरल।